नमस्ते नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत और आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। डे 3 एट केरला वायनाड, ये हमारा पीछे का होम स्टे है। 3 दिन से, मतलब 2 दिन है, 2 नाइट 3 डे था, क्योंकि आपको तो पता है, आप कोई कोई तो बोलते हो आयुष्मान इतना घूमता रहता है स्टडी का क्या, स्टडी देखो एक भी छुट्टी नहीं है उसका। फ्राइडे लोकल हॉलीडे था, सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी रहता है आयुष्मान का। तो 3 दिन का ट्रिप लगा लिया हमने, हो गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर सैटरडे संडे ही जाएंगे, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और डोंट वरी, वो उसके बच्चे के साथ, उसके दोस्तों के साथ भी खेलता है, स्टडीज़ में भी बहुत बढ़िया है। बाय द वे, अभी आयुष्मान ने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, रैली रेस में, राइट। वैसे लोग बहुत सारा, मतलब बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, फिर उसके बाद इंटर स्कूल में जाने के लिए भी उसमें छटाई होता है, जाके पार्टिसिपेट करने के बाद भी ब्रॉन्ज मेडल आया। इंटर स्कूल में जाके फिर से सिलेक्ट होना पड़ता है, वो उधर जाने के बाद फिर से टेस्ट होता है उधर, फिर फाइनल हो जाने। ओह अच्छा, तो सब कुछ यार ओवरऑल प्रॉब्लम है कि हम ब्लॉग करते हैं ना, लोगों को लगता है सिर्फ घूमते रहते हैं, मतलब एक ही पार्ट आपको नजर आता है, जो कि हमारा लाइफ का आप जो देखते हो ना, दैट इज जस्ट 10%, 90% कैमरे के पीछे होता है। तो डोंट वरी, हम पेरेंट्स हैं, उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको तो ऑब्वियसली पता है, राइट। एनीवे, वो तो हमारा बहुत ही कम, बाकी मैक्सिमम 95% लोगों को तो पता है सब कुछ, बट कोई कोई कमेंट करते हैं तो क्लैरिफाई कर देना अच्छा रहता है हमेशा। कॉफ़ी स्टेट, कॉफ़ी स्टेट पूरा ये होम स्टे को लग के, ये देखो विंडो है हमारा होम स्टे का। आप अगर बाय एनी चांस इधर आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नंबर दिया हुआ है, मैं वैसे booking.com से इसको ये मिला था मुझे। थर्ड नंबर रूम ये साइड फेसिंग है, जंगल के साइड फेसिंग है। इवन एक बार ना एक गेस्ट ने ढोले देखा था, ढोले पता है ना, वाइल्ड डॉग, ढोले ने वाइल्ड पिग गए वो जो बोर रहता है उसका शिकार किया था इधर, और वो देखा था। वो बहुत रेयर रहता है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कि उसको दिखने मिला। और हाथी तो आता रहता है, हाथी कॉमन है। और कल का तुझे पता है आने के टाइम पे, बता क्या हुआ? हम आने के टाइम में बहुत रात हो गया था, 8:30 को आए थे, और सामने रोड में हाथी खड़ा था। यस, वो भी टस्कर। जैसे ही लाइट पड़ा मैं सोचा कि क्रॉस करूं कि नहीं, क्योंकि एकदम ही बाजू में था वो हाथी। फिर एक बाइक वाला ने क्रॉस किया तो मुझे लगा हाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो मस्त से खाना खा रहा है, तो टेंशन नहीं करके निकल गया। मुझे लगा था वो स्टैचू ही है, स्टैचू जैसा लग रहा था, क्योंकि खड़ा था ऐसा सिंपल, खड़ा कैसे खा रहा था। सही था, तो हमको वही वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस ना बहुत मज़ा आता है। पूरा फॉगी फॉगी सा वेदर, बहुत मज़ा आता है। ये जो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली ये जो कॉफ़ी स्टेट में कॉफ़ी पकता है, ये सुखाते हैं ये जगह पे। अभी हम फ्रेश होके निकल जाएंगे, इधर बहुत मन है क्योंकि इतना फ्रेश फिश मिलता है। हम फिश लेके जाएंगे, टापियोका लेके जाएंगे, टापियोका का भी कुछ बनाएंगे, फिश फ्राई बनाएंगे। और केरला आए हो ना, टॉडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉडी जो होता है इधर का लोकल ड्रिंक होता है, बहुत लोगों को तो पता रहेगा, जिसको नहीं पता मुझे लगता है वो नारियल का पेड़ जो रहता है ना, उसमें से वो फ्लावर के आसपास ऐसा कट करके लगाते हैं, फिर ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता है वो, एकदम एक ट्रेडिशनल इसका। ऑब्वियसली वो वाइन है, फ्रेशली मिलता है तो ठीक है, लेकिन जितना लेट होता जाएगा उसमें शायद अल्कोहल कंटेंट डेवलप होता जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप क्लैरिफाई कर लेना, मैं जितना जानता हूँ शायद वैसे है, तो वो देखेंगे अगर मिलेगा तो। ये सब कवर करने का प्लान है, लेट्स सी। ओके सर, निकलने का टाइम हो गया, थैंक्स ए लॉट फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, बहुत एंजॉय किया आपके साथ, खास करके खाना बनाया साथ में, वो बढ़िया था। ओके सर, सी यू अगेन, बाय। फाइनली हमको टॉडी शॉप दिख गया इधर, तो थोड़ा बहुत लेके आते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, फ्रेश टॉडी होपफुली अवेलेबल रहेगा, अभी अभी निकाले रहेंगे या मॉर्निंग में, तो वो तो थोड़ा लेके ही जाएंगे। आए हैं तो एक बार ट्राई कर लिया मैंने, अच्छा लग रहा है। लास्ट वो गए बहुत साल हो गया, हाँ 6-7 साल पहले, लेकिन तभी तो ब्लॉगिंग नहीं करते थे, ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो फ्रेश स्टडी ही पिए थे हम, हाँ अभी भी वही लाएंगे। टेस्ट तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, लेकिन अवेलेबल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। चलो
स्टडी सॉ सर फ्रेश स्टडी अवेलेबल फ्रेश स्टडी अवेलेबल सर स्टडी यस्टरडे टुडे इज कमिंग 10:30 ओह 10:30 या ओके आई विल कम इन 10:30 देन ओके सर ओके थैंक यू अभी तक नहीं आया है वो ये कल वाला है कल वाला नशा चढ़ जाएगा हमको फ्रेश वाला चाहिए जो कि 10:30 को आएगा तो 10:30 को आते हैं बहुत ही सुंदर सा चर्च दिखा है तो हम इधर रुक गए और सुल्तान बैतरी का सबसे बड़ा चर्च है एजम्पशन फोरेंस चर्च तो थोड़ा सा जाके आ जाते हैं सच ए ब्यूटीफुल प्लेस यार बहुत ही पीसफुल है बहुत ही अच्छा लगा अच्छा किया कि हमने मिस नहीं किया इधर आगे क्योंकि जस्ट ऑन द वे था हम कल जाने के टाइम पे देखे थे लेकिन इधर का जो रोड है ना थोड़ा सा अंदर तक था मतलब नो एंट्री वाला रोड से अलग होके तो हम मेन रोड से नहीं देख पाए तो इधर आगे मस्त है बढ़िया सा जगह है बढ़िया सा ऑब्वियसली कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस तो बहुत ही शांति देता है तो अच्छा लगा अच्छा किया हम विजिट किए चर्च के एग्जैक्टली सामने हमको ये दिखा यस भारत यस भारत तो ये वेडिंग कलेक्शन बहुत सारा है तो आए हैं केरला तो जाते हैं देखते हैं कुछ केरला का मेमोरी के लिए होगा तो कुछ लेके जाएंगे केरला आए हैं तो केरला का सारी चीज़ ऑथेंटिक ट्राई कर रहे हैं फिर केरला सारी धोती वो सब हम चूज़ कर रहे हैं घर पहुंचने के बाद आपको दिखाएंगे हम क्या क्या चीज़ लिए हैं और इसके इसका प्राइस भी बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कैसा कैसा साड़ी कैसा रेट में इधर मिलता है चलो भाई रुके इधर चर्च विजिट करने के लिए और हमारा 8-9 हज़ार का चूना लग गया 10 हज़ार तक का वैसे क्यूरियोसिटी रहता है खास करके जो लेडीज देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ लेके आए क्या प्राइस है क्या है तो बताएंगे उसको घर पहुंचने के बाद वो दिखा भी देंगे केरला मेमोरी चलो गर्मी बढ़ रहा है दो चीज़ और लेना है टापियो का लेना है और इधर फिश लेंगे मस्त फिश मिलता है इधर भी आ गया मच्छी बांगड़ा अरे बांगड़ा 150 रुपीस किलो है इधर बेंगलोर में कितना है 300 के आसपास है 300 है शायद बेंगलोर में आधा रेट में मिलता है फिश 300 का बल्ला दसला है हाँ 400 के आसपास है हाँ ठीक है यार 150 रुपये किलो बांगड़ा चलो नहीं वो सब खत्म है चलो ये छोटा सा विश भी पूरा हो गया हमको टर्डी फ्रेश वाला मिल गया अभी भी आया है लेकिन यार पता नहीं इधर ना वो टर्डी शॉप में जाओगे तो जो गांव का देसी दारू का ठेका नहीं रहता उसका फीलिंग आ रहा है मतलब पूरा दारू का अड्डा जैसा लग रहा है मुझे लगता है लोकल लोग ड्रिंक के लिए शायद यही आते हैं क्योंकि अच्छा ये मुझे डाउट हो रहा है अभी फर्मेंटेशन मतलब इवनिंग होने के बाद ही इसमें अल्कोहल जनरेट होता है कि अभी से ही होगा ये थोड़ा डाउट है हाँ टेस्ट तो बहुत अच्छा है हम पहले पिए थे बहुत मतलब बहुत ही टेस्ट मतलब वाइन हमने टेस्ट किया लेकिन वाइन से काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है हमारा उड़िया लोग समझ में आएगा जो अम्बेली तोरानी मतलब जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है राइट 3-4 दिन राइस वाटर रखने के बाद जो टेस्ट आता है उसका टेस्ट है मतलब उससे और थोड़ा अच्छा ही टेस्ट है थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा है इसमें तो फ्रूट का स्मेल आ रहा है इसमें आइसमैन बोलते हैं इसका स्मेल नहीं अच्छा लगता अच्छा है हमको टापियोका भी मिल गया और मस्त सा जगह भी तो आज पूरा क्या होगा ऑथेंटिक स्टाइल केरला मील्स
केरला मिल्स तो नहीं ऑब्वियसली, सिर्फ टापियोका को ये गुटके की तरह बना लेंगे। उत्तराखंड में जो बनाए थे आलू के गुटके जैसा बनाए थे टापियोका को वैसा बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट हमको पता नहीं है। हम पहली बार खाएंगे, पहली बार खाएंगे, ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा। इसका क्या टेस्ट रहेगा हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो सिर्फ इस बात ही हम बता पाएंगे कि कैसा लगा। तो ये ऐसा बना देंगे गुटके टाइप, आलू के गुटके टाइप और फिश फ्राई। ये कार्बोहाइड्रेट वो प्रोटीन हो गया काम, और साथ में तो टॉडी है ही। दारू के साथ चखना फ्री। दारू के साथ नहीं, दारू थोड़ी है यार, ऐसा नाम मत खराब मत करो हमारा। अरे व्यूअर्स को भी पता रहेगा, पता नहीं जो आप जिसको पता है बताओ। एक्चुअली जो हम जो टॉडी लेके आए फ्रेश वाला, उसमें अल्कोहल कंटेंट होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता। होगा तो हो सकता है 2-3% बिल्ड हो चुका हो, तो इसलिए हम उसको टेस्ट करेंगे, पियेंगे नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। ड्राइव करके जाना है 300 किलोमीटर। अगर भाई एनी चांस उसमें थोड़ा अल्कोहल कंटेंट बिल्ड हुआ रहेगा तो फिर डिजीनेस वो सब अगर होगा तो ड्राइव में प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही टेस्ट करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा सिप लेंगे, पूरा केरला का ऑथेंटिक वाला हमारा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा नींबू, एक्चुअली नींबू डाल के ये बनाते हैं ना, मस्त लगता है इसका टेस्ट। कौन ज्वाइन करना चाहेगा नॉन वेजिटेरियन? वैसे हम ऐसा सोच रहे हैं फ्यूचर में पता नहीं कभी पहाड़ों में जाएंगे, ऐसा छोटा मोटा कुछ ऐसा बनाएंगे। अगर मानो घर वर इन्वाइट करेंगे, आप लोग आओगे रहने के लिए हमारे साथ खाना शेयर करने के लिए? आपको भी काम में लगाएंगे, लेकिन हम खाना बना के सिर्फ नहीं देंगे, आपको भी काम में लगाएंगे। जो थोड़ा कुकिंग वुकिंग में पैशन रखता है ऐसा हमारे साथ ज्वाइन करके कुक कर सकता है, तो फिर टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है, देखा होम स्टे में भी हम घुस गए उसके किचन में, तो ऐसे रहता है। बाकी लोग तो बोलते हैं यार औरत लोग घर पे भी काम करते हैं, बाहर जाके भी काम करवाते हो आप, ये देखो सब मिलके करते हैं और ये हमारा पैशन है। तो जो पैशन होता है ना उसमें चीज़ बोर नहीं लगता, मज़ा आता है। बालू लगा है, सैंड लगा है, थोड़ा सा हल्दी और नमक पूरा स्पून, 1 स्पून पूरा, फुल स्पून, यस, बस हल्दी 1 स्पून, इतना ज़्यादा नहीं, हाँ कम, बस बस, हाँ उतना ठीक डाल, बस 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 हो जाएगा उतना। इसको एक सीटी लेके आ जाते हैं, निकाल देंगे, फिर स्प्रे कर देंगे। टापियोका का हमारा सिटी लग गया। अब वैसे टापियोका बराबर कौन सा करो ना, टापियोका ना, टापियोका TAPIOCOS आई थिंक, क्योंकि मैं दुकान में जब भी मांगता था टापियोका, लोग 2-3 बार तक नहीं समझते थे। वैसे हम प्रोनाउंसिएशन में वैसे भी थोड़ा गड़बड़ है, कौन सा हेवी इन्फ्लुएंस रहता है हमारा उड़िया वाला बोलने में, तो बस बस इतना बताएगा। बांगड़ा फ्राई, बांगड़ा पसंद आला, बढ़िया फिश फ्राई आयुष्मान, टापियोका के साथ फिश फ्राई, अजीब गजीब कॉम्बिनेशन, हमेशा गजीब ही रहेगा, गजब ही कॉम्बिनेशन रहता है। एक्चुअली ना हम खाने का ये नहीं लेके आए बर्तन, पखाड़ भात, नहीं तो पखाड़ भात के संग माछ भजा सुपर होता। हमारे पास बटर मिल्क भी था लेकिन खाने का बर्तन नहीं था, क्योंकि उसके लिए ना ऐसा चाहिए पॉट चाहिए, पॉट ये तो एक ही है बस ना, हम दोनों कैसे खाएंगे? और घर पे रख दिया ना, वो लेके नहीं आए।
परफेक्ट होते। अच्छा नॉनस्टिक में ही अच्छा होता है वो, उधर हम केआरएस में किए थे ना, सब टूट गया था, वही थोड़ा नॉनस्टिक चाहिए, ये सिरेमिक है तो इसमें हो जाता है। पर कल हाथी आ गया था, इसका स्मेल सुन के बाकी कोई जानवर ना आ जाए। वैसे हम कोई ऐसा डीफॉरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हो राइट, इधर घर भी है, हाँ ऐसा देख के हम रख रहे हैं, लेकिन ये या फॉरेस्ट जोन में ही आता है, बट रेसिडेंशियल भी है, नहीं तो पूरा जो एरिया है जिधर गेट है ना फॉरेस्ट के, उधर तो कुकिंग अलाउड नहीं, उधर नहीं कुक कर सकता। रात को हमने एक मैं बोला था, हाँ तुम जो मतलब पहले ब्लॉग में ना बोला जब शुरुआत किया, आयुष्मान ने एक्सप्लेन किया, आयुष्मान बोल रहा है कि मामा ये एक स्टैचू है क्या, मतलब जंगल में स्टैचू कौन रखेगा, कैसे रहता है ना जंगल में कोई को, कोई कोई जंगल वो रिजॉर्ट में रखते हैं ऐसा डुप्लीकेट वाला जानवर का टापियो का हाँ वही थोड़ा प्रेस कर ना, प्रेस करके दबा, प्रेस कर, हाँ यस आयुष्मान तू सेफ कैसे बनेगा, हाँ ऐसा देख, ऐसा एक पर्टिकुलर जगह से खुलेगा है, बंद कर दो ना, गैस ना, अभी यही जो रिमेनिंग है ना यही इसमें ही टापियो का बना लेंगे ताकि फिश का भी थोड़ा फ्लेवर आएगा। हो गया भाई रेडी। आयुष्मान तू टापियो का खा के देख कैसा लगता है, तू फिश तो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, नहीं तो अगर नहीं अच्छा लगता है ना उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ने से और अच्छा लगेगा। बस बस तो ये दोनों तो हो गया, उसके साथ हमारा यार साउंड आ रहा है, मतलब जो कार्बन क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसका काम कर रहा है, ये अल्कोहल जनरेट कर ही देगा इवनिंग तक, बस बस थोड़ा सा ही सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये करते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, वैसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसलिए पहले टापियो का खाते हैं, ये तो नहीं खाया ना हम कभी, अच्छा लग रहा है, ये काइंड ऑफ आलू जैसा ही है, कंदमूल का थोड़ा स्वीट, जो स्वीट पोटैटो होता है ना उसका थोड़ा सा स्वीटनेस टेस्ट रहता है, ये माइल्ड है, नींबू थोड़ा डालूं, डालूं मैं भी थोड़ा डालता हूँ मज़ा आएगा, नींबू का टेस्ट तो हर चीज़ का मस्त है ना, देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मस्त हो गया ये, डिट्टो वो राइस फर्मेंटेड राइस वाटर जैसा है, सिर्फ स्वीटनेस ज़्यादा है, फर्मेंटेड राइस वाटर स्वीट नहीं लगता, ऑब्वियसली फ्लेवर में भी चेंज है। 12 बज रहा है, 12 o'clock ना, 12:40 हो गया, मतलब 1 बजे निकलना है 20 मिनट के बाद सीधा, वुल ड्राइव बैक 12:15 ठीक है। आयुष्मान तुझे दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, फिश अच्छा लगा कि टापियोका, फिश ही अच्छा लगा, अरे पियो पहले ये पेप्सी जैसा ही लग रहा है, खट्टा है मीठा भी है, खट्टा नहीं आंबली है आंबली
आंबली ओडिया लोगों को भी नहीं मालूम पड़ेगा, शायद बहुत जगह पे आंबली नहीं बोलते रहेंगे, सिर्फ गंजा ब्रह्मपुर वाले को ही पता रहेगा। हाँ, ये पूरा देसी ओडिया हो गया, खट्टा है एक्चुअली, हम आंबली बोलते हैं ना, एकदम देसी ओडिया लैंग्वेज हो गया वो। आंबली भात तो खाओ रे। आंबली तोरण पियो रे। आंबली तोरण ये लागती नागुची नागुची। चलो बहुत ज्यादा हो गया, खाना फिनिश करो, निकलते हैं, टाइम हो रहा है। ओके, गॉड्स ओन कंट्री को बाय बोलने का समय आ गया है। मस्त खाना खाए और अभी तो कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:40। पहुँचते ऑलमोस्ट कितना, 7 नहीं दिखा तो रहा है गूगल, 6:52 में पहुँच जाएंगे, मतलब 5 hours 13 minutes लगेगा इधर से, बाकी देखते हैं। आयुष्मान उसका इंतजाम कर रहा है सोने का, आयुष्मान पूरा रेडी हो गया है सोने के लिए, क्योंकि अभी वो सो जाएगा और पीछे जाके नहीं सोता है। पहले हमारा क्या कैंपर वैन था मारुति इको वाला, उसमें मस्त फैसिलिटी था, और अभी थोड़ा इसमें सोने के लिए उसको अनकम्फर्टेबल लगता है पीछे वाला सीट में। कोई नहीं, लेकिन इधर तो सो ही जाता है तू, आयुष्मान फ्रंट सीट में भी मस्त सो जाता है। बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे ही आप क्रॉस करोगे टुवर्ड्स गुडालूर जाने के टाइम पे ऐसे बहुत सारे फूल के खेत हैं, और ये लोग 50-50 रुपया लेके फ़ोटो खींचने के लिए छोड़ते हैं, बहुत ही कलरफुल लगता है। ये क्या गेंदा फूल ना, गेंदा फूल बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ गेंदा फूल, अलग अलग कलर का वेराइटी का है, फिर सनफ्लावर भी है, सूर्यमुखी बोलते हैं ना वो भी। खेत तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे ही लगेंगे, कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया है यार, ये धूप है खिल रहा है तो मस्त लग रहा है। तेज बारिश शुरू हो गया भाई, तेज बारिश, रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है, इतना तेज बारिश। उधर नहीं बारिश हुआ, इधर आने के बाद। पहुंच गए घर, 7:15 को ही पहुंच गए, ऑब्वियसली बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लिया। हाँ आपको बताना था ना, खास करके ये तो सबको शायद इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन लेडीज़ लोग को ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो होगा ही होगा, क्या लेके आए हैं राइट, क्योंकि वो गए थे। दिखा दो फिर, आप ही दिखा दो, ये दो सेम टाइप का साड़ी है, ये प्राइस भी सेम है, 1999 2000 के आसपास, 2000 1 रुपीस कम है। वो तो ये क्या कॉटन का है, हाँ प्योर कॉटन टाइप, प्योर कॉटन केरला साड़ी, पता नहीं इधर तो मैंने देखा नहीं था, केरला गए थे तो वैसे भी गांव जाना है इसलिए सभी के लिए एक एक लेके आ गई। हाँ। मम्मी पापा के लिए भी सब लेके आ गए थोड़ा, ये 1999 नहीं, ये थोड़ा कम है ना, हाँ 999 ना, 999 हाँ 1000 rupees, हाँ मतलब उसका हाफ रेट में है। हाँ। ये दो 2000, ये थोड़ा महंगा है। हाँ हाँ ये दोनों सेम है, ये 3 सेम प्राइस है, 1000 1000 1000। ये पूरा कृष्णा का मोर पंख का 999 का, नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा है शायद,
1100 का है, हाँ मतलब ऑलमोस्ट सेम, मतलब वही 1100। ये धोती केरला वाला, ये पूरा व्हाइट वाला धोती, प्योर कॉटन, प्योर कॉटन का। ये पापा के लिए, पापा तो हमेशा लुंगी पहनते हैं। 800 850 840। यूनिक है ये, हम देखते नहीं है जनरली, हमारा इधर भी नहीं, उड़ीसा में भी नहीं देखते हैं, तो केरला का मेमोरी। और हमको दिख गया, ऐसा नहीं कोई प्लान था हमारा खरीदने के लिए, वो चर्च के सामने रुके, कभी भी नहीं रुके थे। ये कितने बार गए केरला, एक बार भी शॉपिंग नहीं हुआ था, ये पहली बार है हमारा शॉपिंग हुआ है। हाँ करेक्ट, जनरली हम शॉपिंग नहीं करते, किधर घूमने जाते हैं, क्योंकि घूमने का खर्चा रहता है। कुछ एंटीक पीस दिखाया वो लेके आ जाए, 100 पीस टाइप। यस, ऐसे और इसका कहानी में बताता हूँ क्यों हुआ। एक्चुअली हम चर्च में गए, आने के टाइम पे जोर से सुसु लग रहा था, और वो देखा कि बड़ा शोरूम है, फिर एक काम करते उधर तो रेस्ट रूम रह गए उधर घुस गए, और घुस गए ये 10,000 लग गया हमारा, 9-10,000। मेन स्टोरी वो है, ठीक है, बाकी का ठीक है, अलग बात है। ओके चलो, ब्लॉग शायद लंबा हो रहा होगा, पता नहीं कितना मिनट का हो गया, बस आज का ब्लॉग को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला पता नहीं क्या रहेगा, लॉन्ग ट्रिप तो हमारा पूरा उड़ीसा वाला ही रहेगा, उसके बीच में कोई प्लान नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, हम इधर उधर किधर किधर जाएंगे, तो जिधर भी जाएंगे जो कुछ भी करेंगे वो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और एक चीज, आयुष्मान का खिलौना मैंने भूल गई। अच्छा हाँ, वो जीप लेके आया, जीप, रिमोट जीप, उसका चार्जर वहीं भूल गए। हाँ ठीक है, उसका तो वैसे बहुत सारा ये है ना, चार्जर है, तो टेंशन नहीं। और आयुष्मान आते ही उसका स्टडी शुरू हो गया, आपको बोलते हो ना, वो एक्चुअली वो उसका स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और उस हम पीटीएम में भी गए, उनका टीचर भी बोल रहे हैं, इतना सारा घूम घूम के भी ही इज़ डूइंग ग्रेट इन स्टडीज़, मतलब आप बोल सकते हो कि टॉप 3% जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उसमें है, स्टडी में एकदम परफेक्ट है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका टीचर भी, उनका भी टीचर भी अप्रिशिएट करते हैं उसका स्टडी को, तो टेंशन मतलब कभी कभार कमेंट आता है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो बोलते ना लोग, बिना जो बोलते ना बुक देख के जज द बुक, जो बोलते ना डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो ऐसा वाला हो जाता है। आप जो ब्लॉग में देखते हो थोड़ा बहुत ही रहता है, उसके पीछे का कहानी बहुत कुछ रहता है, तो कभी कभार थोड़ा सोच के कमेंट किया करो, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करते हो तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कभी कभार। एनीवे चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।